is singing for Seth freaking Rollins. The best dressed man in WWE and a pretty darn good conductor, too. The following contest is a 3-on-1 handicap match. Introducing first, from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, Seth freaking Rollins! A decade of being WWE's freaking workhorse, and the WWE Universe is finally singing his praises. And the WWE Universe serenading Rollins with his battle hymn. Time for Seth freaking Rollins to conduct another masterpiece. And his opponents at a combined weight of 758 pounds, Roman Reigns, Jey Uso, and Jimmy Uso, the Bloodline. And guys, this looks to be a match with major implications here in WWE. Could change the entire landscape here. और मैच हो चुका है भाई स्टार्ट और अपन कंट्रोल कर रहे हैं रोब्रोज सैथ फ्रीकिंग रोलिंस को और क्या सैथ फ्रीकिंग रोलिंस को अपन कंट्रोल कर इस टीम ब्लडलाइंस को डिफीट कर पाएंगे रोमन रेंस को हरा पाएंगे जो किसी ने भी नहीं किया अपन सैथ फ्रीकिंग रोलिंस बनकर कर सकेंगे और रोमन रेंस बिना फिनिशर यूज किए हुए भाई पिनफॉल कर रहे हैं यार ऐसे तो इतना जल्दी तो नहीं होने देंगे रोमन रेंस कहां जा रहे हो आप ओके दो दो फिनिशर्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं एंड्रू ब्रोस नॉकआउट ऑन रख दिया है ज्यादा मार खाएंगे तो वैसे हार जाएंगे तो मार खानी नहीं है पर रोमन रेंस अपन को खिलाएंगे यार जबरदस्ती खिलाएंगे यार पर एनीवेज अपन कंट्रोल करेंगे फुल कंसंट्रेट फुल ट्राई करेंगे रोमन रेंस इस टीम ब्लड लाइन टीम को हराने का पर रोमन से ना रिवर्स करने का टाइम देंगे तभी ना डोमिनेट पे डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं स्पीड के ले जा रहे थे नहीं रोमन इतने जल्दी नहीं पर रिवर्स करने का मौका मिला था अपन को इस बार अपन ने किया फोकस और रिवर्स अब रोमन्स की होगी धुलाई खतरनाक वाली ये क्या कर रहे हैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस अरे फ्रीक मत हो रोलिंस ये सुपरमैन पर स्पीयर कॉम्बो अरे शिट मैन गए काम से अब आई थिंक पिन हो सकता है क्योंकि डिफिकल्टी है भाई लीजेंट है स्टंट हो चुके हैं ओके किक आउट्स कर दिया मुझे अभी रेजिलेंस यूज नहीं करनी थी यार ये तो शुरुआत ही है ट्राइबल चीफ शुरुआत मत करो टैग दे दो मैं नहीं खड़ा हो रहा हूँ अरे टैग दे दो यार चलो रिंग के बाहर मैं सोच रहा था कि मैं खड़े हो जाऊं पर रेट नहीं मान रहे हैं ओके रिंग के बाहर आ चुके डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ है तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ बट काउंट डाउन ऑन है ब्रो तो काउंट डाउन से नॉक हो सकते हैं वैसे मैं यहाँ पर रोमन रेंस को डैमेज दे सकता था और भी ज्यादा ठीक है पर रिंग के अंदर इस वाले रिंग के अंदर नहीं ये आप रिंग देख रहे हो खतरनाक और ये कमेंटेटर्स क्या कर रहे हैं भाई रिंग्स के अंदर घुसे पड़े हैं यार वो जिमी उसो ये जे उसो उसके पास क्या खतरनाक पावर थी एक रिंग से भाई साहब फ्लैश बन गया जे उसो फ्लैश और काउंट डाउन स्टार्ट है अरे जे मेरे को जाने दे अंदर जे नहीं और रोमन्स बाहर आ चुके हैं भाई तो काउंट डाउन अब फिर से स्टार्ट रोमन्स टेक स्ट्रेटजी नहीं मैं हार जाता सच्ची में ये मैच स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता एंड्रू ब्रोस ये क्या कर रहे हैं भाई ब्लडलाइन टीम्स दो दो फिनिशर्स है रोमन्स ने एक फिनिशर यूज किया है और मुझे यूज करने नहीं दे रहे हैं भाई कुछ तो करना होगा रोमन्स जा रहे हैं मैं सोच रहा था दूसरे रिंग में फाइट करें अभी ये डबल रिंग्स का ग्लिच खतरनाक अनाउंसर खड़े होने दो ये जे क्या ओ भाई जीबी का भाई क्या हो रहा है ये सीन गलत हो रहा है और रोमन रेंस नहीं चाहते हैं कि ये हैंडीकैप मैच में काउंटडाउन से हारूं देख रहे हो फिर से नीचे आ गए हैं और ये उसोस मुझे उठने नहीं दे रहे हैं ये गलत सीन कर रहे हैं उसोस को सबक सिखाना पड़ेगा इनके चुंगल से बाहर रोमन्स आ रहे हैं रोमन्स बिग बूट नहीं हमारी हाई फ्लाई किक्स खाओ पहले तो इस रिंग के अंदर जाऊंगा तो काउंटडाउन खत्म होगा क्या होगा होगा क्या फोर है भाई काउंटडाउन नहीं हो रहा है और ये जीवित
और ये जिमी क्या कर रहे हैं, पावर खत्म, इस रिंग के अंदर आना पड़ेगा मुझे भी, चलो आ जाओ। ये सेठ क्या कर रहे हैं, अरे भाई सेठ क्या कर रहे हैं रिंग के बाहर, अरे सेठ ये ग्लिच, ये टू रिंग्स का ग्लिच खतरनाक भाई, बस ये तो देखना है रॉबर्ट रिवर्स। एक को तो भाई एलिमिनेट करना ही होगा मुझे, क्योंकि 1-3 हैंडीकैप मैच है और ये जिमी का भाग गए भाई, जे आ गए हैं डबल टे बाबूज, नॉकआउट ऑन रखा है एंड्रू ब्रोस, ये मैच कहीं मैं हार ना जाऊँ, स्टार्टिंग में बोल तो दिया है मैंने, हाँ जे को सबक सिखाएगा, कुछ कुछ रिंग के बाहर थे ना तो ये ज़्यादा हवा में आ रहे थे, अरे प्रॉब स्टॉर्म दे सकते थे, उड़ गए जिमी, पर अब नहीं उठ पाएंगे, अब नहीं उठ पाएंगे, अब तो एक क्रॉप स्टॉर्म आना है, क्योंकि तीन तीन फिनिशर्स ऑलरेडी हो चुकी है और ये रिवर्स ना करे बूम बैक टू बैक दूसरा फिनिशर्स भी देंगे, बैक टू बैक दूसरा फिनिशर्स भी देंगे भाई, नॉकआउट ऑन रखा है मैंने और तीन तीन फिनिशर्स है हमारे पास, एक यूज कर दिए दूसरी फिनिशर्स, इसमें भी नॉकआउट नहीं हुए क्या, कोई दिक्कत, एक फिनिशर्स और बाकी है, बैक टू बैक थ्री रिवर्स कर दिया, यानी खड़े हो गए यार, अगर मैं ये तीसरी फिनिशर्स लगा देता ना क्रॉप स्टॉर्म तो टाटा बाय बाय हो सकता था। ओ भाई सुपर किक, ये गलत सीन कर दिया, गलत सीन, रेजिलेंस बाकी है और क्या कर रहे हैं, टैग मत देना, टैग मत देना, टैग मत देना, टैग मत देना, टैग दे दिया ना तो मेरी सारी फिनिशर्स का जो स्टेमिना वो वेस्ट गया भाई, और ये डबल टीम मूव क्या कर रहे हैं, पावर बूम, शील्ड वाला मूव, ओ भाई शील्ड वाला मूव स्टंट कर दिया भाई, पिन के लिए जा रहे, रेजिलेंस ही है, कोशिश करूंगा टू तक तो हो जाए, ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 भाई, भाई। किक आउट, रेजिलेंस यूज की मेरे को, वरना खत्म, यही पर कांड खत्म हो गया, रोबर रिस नहीं, फिनिशर्स नहीं, स्पीयर नहीं, नहीं नहीं, अरे जे को नहीं मारना, सेथ फ्रीकिंग रोलिंस फ्रीक हो गए, अपने एक फिनिशर्स है, रोमन्स का काम तमाम करना है अपन को, अरे क्या कर रहे हो, खड़े हो, स्पीयर के लिए जा रहे हैं रोमन्स, स्पीयर नहीं देना है, स्पीयर अपने ऊपर नहीं खवाना है ब्रो, वरना टाटा बाय बाय, और स्टीम ब्लड लाइन्स को अपन नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय, डिफीट नहीं कर पाएंगे यार, काम खत्म, रोमन रेंस स्पीयर रिवर्स, वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात, सेथ रोलिंस अब हराना है, अब इस एक को तो एलिमिनेट करना है भाई, लेजर डिफिकल्टी है, रोबर्ट इस नीचे नहीं जाना, अरे नीचे नहीं कहाँ जा रहे हो, क्रॉप स्टॉर्म तो खाके जाओ रोमन, रोमन की बॉडी येलो और हेड भी येलो, अपने पास एक फिनिशर्स नहीं है, मूव टिप है, मूव टिप यूज कर सकते हैं, रोमन्स के पास फिनिशर्स है, ठीक है तो मूव टिप है, रोमन्स का स्पीयर चुरा सकते हैं, रोमन्स के पास रेजिलेंसी भी है, तो एंड्रू ब्रोस पिन करके देखते हैं होता है क्या, रेजिलेंसी है, कवर तो करवा लेंगे, ओ हो हेड के बैच में ये तो है, सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का भी ओ हो बच जाता, अरे टारगेट इंटरप्ट मत करो, रोमन्स को फिनिशर्स आ चुके हैं दोबारा से, लो तो दे ही देते हैं, बूम क्रॉप स्टॉर्म फिर से, रोमन रेंस एलिमिनेट होंगे क्या, नॉकआउट ऑन है, नहीं हुए, पिन के लिए चलते हैं, पिन के लिए चलते हैं, रेजिलेंस है, मुझे पता है वैसे तो नहीं होगा, पर एक बार अपना स्टेमिना तो इंक्रीज करवाए ना, सिग्नेचर तो मिल जाए, रोमन्स रिवर्स, या रोमन्स मानते हो कि आपका ओवरऑल 99 है पर इतना भी रिवर्स नहीं बनता है, रोमन रिंस हार जाओ जल्दी से, मुझे स्टीम ब्लड लाइन्स को हराना है, आपकी जो स्टिक चल रही है ना वो तोड़नी है, मैं कवर कोई तो आएगा, इसको 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 चुल है ब्रो, इसको हटाना पड़ेगा, चलो सिग्नेचर आ गई है भाई अपने पास, अब ये सिग्नेचर यूज करके फिनिशर्स लाते हैं और ट्राइबल चीफ आई थिंक, अब तो यार दो दो फिनिशर्स यूज कर दिए, अब तो हो जानी चाहिए ना, रिवर्स कर दिया है, बस ये रिवर्स से तो इंस्टेंट सिग्नेचर यूज कर लिया, क्योंकि मुझे पता था रोमन्स के पास स्पीयर है, स्पीयर लगा है ना तो मैं इस बार रेजिलेंस भी नहीं है और पिनफॉल करवा देंगे, अरे रोमन्स इतना रिवर्स नहीं यार, थोड़ा अभी भी मौका दो रोमन्स खातिरदारी करने की, ठीक है फिनिशर्स आने वाली है दोबारा से, रोमन रिंग्स नीचे गए नीचे, अरे यार ये टू रिंग्स में ये थोड़ा ग्लिच हो जाता है ना, ठीक है हाई फ्लाई मूव्स इस वाले कॉर्नर में ग्लिच हुए और ये ग्लिच हो गया फिर से, सेथ रोलिंस क्या कर रहे हो भाई, एक हाई फ्लाई मूव्स आपसे नहीं लगी, रिवर्स कर दिया है फिर से, ये रिवर्स बड़ी महंगा पड़ रहा है भाई, अब तो स्टील स्टेप्स है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ है, तो स्टील स्टेप्स उठाकर अपन डैमेज दे सकते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट है, थोड़ा सा डैमेज तो बनता है, उठा सेथ, सेथ उठा इसको, सेथ फ्री, अरे क्या कर रहा है भाई, मूव टिप है अपने पास, मूव टिप,
चुरा सकते हैं। स्पीयर एलिमिनेट, रोमन रिंस को एलिमिनेट, फाइनली एलिमिनेट कर दिया। अरे अंदर चलो, अंदर आ गए हैं भाई। ओके, ये जिमी यहाँ पर खड़े खड़े क्या ग्लिच चल रहा है, और काउंटडाउन क्यों स्टार्ट है जिमी के लिए काउंटडाउन स्टार्ट। दो, मैं रिंग के अंदर हूँ, रेफरी कुछ चीटिंग मत करना, मैं रिंग के अंदर हूँ। 10, दो एलिमिनेट, पर एलिमिनेट हुआ भाई किसको एलिमिनेट कर दिया, रोमन रिंस तो वैसे एलिमिनेट हो गए थे यार। ये गलत सीन हो गया यार, जिमी जी उस अंदर ही है, तेरी दो बार एलिमिनेशन यार, ये खतरनाक है यार। एक तो मैंने नॉकआउट ऑन किया था, नॉकआउट से मैंने एलिमिनेट किया था ना, रिवर्स किया मैंने, समॉन ड्रॉप यार, कवर के लिए जा रहे हैं। ओ भाई प्लीज 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 प्लीज, उधर काम खत्म। ग्लिच चीटिंग की है भाई, सरासर चीटिंग हुई है इस मैच में मेरे साथ। मैं टीम ब्लड लाइंस को भाई एलिमिनेट करने वाला था, जीत गई भाई, जीत गई। ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे बदला चाहिए। एंड्रू ब्रोज, आप मुझे कमेंट्स में बताना क्या मुझे ये रीमैच करना चाहिए इस ब्लड लाइन टीम्स के अगेंस्ट। भाई दो बार रोमन रेंज को मैंने स्पीयर मूव थीफ देकर एलिमिनेट कर दिया था, ऊपर से काउंटडाउन जिमी जेउसो क्या था भाई। एंड्रू ब्रोज, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मुझे दोबारा से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बनकर ये रीमैच करना चाहिए ब्लड लाइन टीम्स के अगेंस्ट या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो चलो एंड्रू ब्रोज, आपको मजा आया होगा इस गेम प्ले में, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट करते रहो यार एंड्रू ब्रोज, डेली आपके लिए वीडियोस आ रही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस।